खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। गायन के क्षेत्र में हरदोई जिले में आस्था त्रिवेदी एक जाना माना नाम हो चुका है। आस्था ने वैसे तो कई खिताब जीते हैं, चाहे वो लखनऊ में भातखंडे से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षा हो या एलजी द्वारा आयोजित पूरे देश में आयोजित की गई प्रतियोगिता में जिसमें आस्था ने प्रथम पुरस्कार पाया। आस्था को एलजी शोरूम पर एलजी का एक बड़ा सा स्पीकर व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिले में होने वाले अन्य प्रोग्राम में भी आस्था ने कई खिताब हासिल कर रखे हैं। आस्था सामान्य परिवार से जन्मी आस्था के पिता श्याम नारायण त्रिवेदी आर कॉलेज में शिक्षक हैं। वह आस्था की मां अंजू त्रिवेदी बेसिक स्कूल में शिक्षिका हैं। आस्था ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने मां से ही हासिल की। हरदोई की बेटी आस्था ने लखनऊ में ऐशबाग में चल रहे रामलीला राम महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ गायन का खिताब हासिल किया। इससे पूरे जिले का मान प्रदेश स्तर पर इस बच्ची ने बढ़ाया। इस प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश में 15 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के हजारों प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया था। आस्था को उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने 1100 रुपए नगद प्रशस्ति पत्र रामचरितमानस व डुएट स्कूटी की चाबी भेंट कर सम्मानित किया। आस्था के घर पर उनको बधाई देने वालों की लंबी भीड़ है। दूरदर्शन के सिंगिंग स्टार ऑफ यूपी में भी आस्था का चयन टॉप 30 प्रतिभागियों में हो चुका है। वह दूरदर्शन के लखनऊ केंद्र से प्रसारित चैनल पर दिखने भी लगी हैं। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।